आधुनिकता के इस दौर में भारत की स्वदेश निर्मित तकनीक के साथ साथ बाकी चीजों का भी दुनिया लोहा मान रही है। शैक्षणिक और चिकित्सा के क्षेत्र में तेजी से विकास के साथ कई तरह के नवाचार किए जा रहे हैं, जो आने वाले समय में काफी कारगर साबित होंगे। और इसी कड़ी में जोधपुर में बने प्रदेश के एकमात्र फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट FDDI सेंटर नए नए प्रयोग कर रहा है। FDDI सेंटर में स्थापित सेंटर फॉर एक्सीलेंस डायबिटीज के मरीजों को पैरों में आने वाली दिक्कत और जन्म के समय में ही पैरों में होने वाली विकृति को ध्यान में रखते हुए 3D प्रिंटिंग के जरिए विशेष किस्म के जूते विकसित करने पर काम कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में डायबिटीज के मरीजों के साथ पैरों में परेशानी से पीड़ित लोगों को उनकी सहूलियत के हिसाब से फुटवेयर मिल पाएंगे। आपको बता दें कि डायबिटीज के रोगियों के आंकड़े की बात करें तो सबसे ज्यादा मरीज भारत में ही है। ऐसे में इस फुटवेयर से उन्हें होने वाली परेशानी कम करने में मदद मिलेगी। क्या कुछ है इस फुटवेयर में खास, जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन आने वाले राजस्थान के पहले FDDI सेंटर अब जो पैरों से विकृति या डायबिटीज के जो पेशेंट हैं, जिनके पैरों में कहीं दिक्कतें आती है, उनको लेकर एक विशेष जो है वो रिसर्च जो है वो FDDI में चल रहा है। जो हमारे साथ में है FDDI के कार्यकारी निर्देशक अनिल कुमार जी। सर, क्या है ये एक नया जो इनिशिएटिव जो शुरू किया है FDDI ने अपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी के द्वारा? एक्चुअली भारत सरकार के द्वारा जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जोधपुर में बनाया गया है, उसमें प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थेटिक्स पर एक विशेष रिसर्च का काम चल रहा है जो अभी प्रक्रियाधीन है। बिल्कुल सर, जैसे जो डायबिटिक के जो पेशेंट होते हैं जिन्हें पैरों में दिक्कत होती है, जो और जो जन्मजात भी कई लोगों के पैरों में विकृतियां होती है, तो उसको लेकर एक विशेष रिसर्च चल रहा है जिसमें उनके आपने जो फुट है वो डिज़ाइन कर रहे हैं FDDI। उस पर अभी डेटा कलेक्शन का काम चल रहा है और आगे जाकर अगर मेडिकल नीड के अनुसार अगर कुछ इस तरह की ज़रूरत हुई तो फिर स्कैनिंग करके एक विशेष रूप में एक फुटवेयर डिजाइन बनाया जाएगा और जाके उनको सहूलियत हो। बिल्कुल सर, देश के अंदर जो 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी हैं उसमें जोधपुर एक है, कहीं महत्वपूर्ण कार्य इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी में किए जा रहे हैं, तो सर कुछ ऐसे क्या हैं जो महत्वपूर्ण रिसर्च हैं जो आगे आने वाले समय में जो है वो कहीं हद तक कारगर साबित होंगे? जोधपुर सेंटर पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये प्रोस्थेटिक और ऑर्थेटिक्स रिलेटेड है और इसमें मेडिकली नीड जो भी होगा पेशेंट को वो डॉक्टर के रिकमेंडेशन के अनुसार जो है हमारे रिसर्चर फुटवेयर को डिजाइन करके उसको डेवलप करेंगे। बिल्कुल, तो ये थे FDDI के कार्यकारी निदेशक जिन्होंने बताया। और आने वाले समय में जो भारत सरकार का ये महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जहां बहुत जल्द जो है ये रिसर्च भी पूरा होने की संभावना है, और आने वाले समय में जो डायबिटिक के पेशेंट हैं जिनके पैरों में दिक्कत आती है, जो कई ऐसे पेशेंट होते हैं जिन्हें पैरों में जन्मजात विकृति होती है, उनके लिए एक विशेष किस्म के जो है वो 3D प्रिंटिंग के साथ में फुटवेयर डिजाइनिंग जो है वो डेवलप करेंगे और उन्हें सहूलियत भी प्रदान करेंगे। जोधपुर से NDTV के लिए मुकुल परिहार।